एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th अ लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। सो लेट्स बिगिन द क्लास, देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें आपको मिलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 8th वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से भी मैं इम्पोर्टेंट और बताऊंगी जिसपे रेड टिक लगे हुए हैं, वो इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो है ना, वो किसके लिए आशा कर रहा था और काय की। सो लेंचो होप्ड फॉर द रेन, अ रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। सो भाई वो आशा कर रहा था बरसात की उसकी फसल के लिए, है ना, उसकी जो फसल खड़ी हुई थी उसके लिए वो आशा कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए गाइस, व्हाट हैपेंड टू लेंटोस फील्ड आफ्टर द रेन। क्या होता है उसके फील्ड में जब बरसात खत्म हो जाती है, तो आफ्टर द रेन, बरसात होने के बाद ऑल द कॉर्न इन लेंटोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉय। क्या हो जाता है भाई, जितनी भी लेंचो की फील्ड में जितनी भी फसल थी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस क्लास में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा। थर्ड क्वेश्चन जितने पर रेड टिक लगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आया था, तो शायद आपके 2025 में आपको देखने को मिले। Lancho had faith in God. He decided to write a letter to God conveying his, ये क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा, grievance, okay, grievance, and ask for 100 pieces for his crops and his family. तो भाई बात ये होती है, वो बोलता है क्या, लेंचो जो है ना, लेंचो को ईश्वर से गहरी आस्था थी और उससे ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय लिया। पत्र के माध्यम से वह अपना जितना भी दुख है और जो भी अपनी तकलीफ है वो बताना चाहता था, एंड ईश्वर से अपनी फसल और परिवार के लिए 100 पीसोस भेजने को उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जनाब, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ओके, तो क्या वह सरप्राइज था, मतलब आश्चर्य था कि उसमें पैसे आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट मेड लेंचोज एंग्री। लेंचो को एंग्री किसने कर दिया और किस चीज से वह नाराज हो गया, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, आगे चलते हैं। Who read the letter? What did the postmaster do? And that? देखिए, अगर आप लोगों ने पेपर नहीं देखा है, पहली चीज तो आपको नहीं पता है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो सेक्शन डी में आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके 3-3 नंबर के आते हैं, कुछ आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 2 करने पड़ेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी शॉर्ट आंसर है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में से है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो 3 नंबर का आता है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, हु रीड द लेटर एंड व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। किसने लेटर पढ़ा और फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया। तो देखिए, व्हाट डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ओके, थर्ड, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम एंड व्हाई नॉट। क्वेश्चन सारे ध्यान से देखें। अच्छा, इसमें क्या बोला है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम व्हाई एंड व्हाई नॉट। देखिए, क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि किसने उसको किसने पैसे भेजे थे और क्यों, और अगर की है या नहीं की है आपको बताना है, क्यों या फिर क्यों नहीं की है तो क्यों बता दो, और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है ये बताना है। सो जो लेंचो है, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। ही नेवर सस्पेक्ट दैट इट कुड ही समवन एल्स अदर देन गॉड।
who would send him money. This faith in God was so strong, so he believed that God had sent him the money. तो देखिए क्या होता है, नहीलैंचो ने पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे ईश्वर पर कैसा विश्वास था, आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास कह सकते हो, अथाह विश्वास कह सकते हो। उसने कभी भी संदेह नहीं किया कि ईश्वर को, ईश्वर की जगह कोई और भी हो सकता है जो उसको पैसा भेजे, या उसको ईश्वर पर इतनी पक्की आस्था थी, उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही पैसे भेजे हैं, जो पैसे भेजे वो ईश्वर ने ही भेजे हैं। थोड़े से अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो ये 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड है, तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लैंचो ने भगवान को ही पत्र क्यों लिखा। सो लैंचो कॉर्न फील्ड वॉज डिस्ट्रॉय इन द हेल स्टॉर्म, ही वॉन्टेड मनी टू सो his field again, to run his family till the crop came, so he wrote a letter to God asking him to send 100 pesos. देखिए लेंचो का मकई का खेत ओलों की बरसात से बर्बाद हो गया था, वह खेतों में फिर से फसल बुआई के लिए पैसे चाहता था, और जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक घर वालों का पालन पोषण करना चाहता था, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा और 100 pesos जो है भेजने को कहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है और ये क्वेश्चन बार बार आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिले। सो लैंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इट वाज ऑन अ हाइट फ्रॉम वेयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। सो लैंचो का घर जो था ना, घाटी के नीचे पहाड़ी की चोटी पर था, वह इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से नदी और उसके पक्के चिट्ठेदार मकई के खेत जो कि फूलों से भरे थे वो देखे जा सकते थे, ठीक है। चलिए अगर सेकंड इसी में मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, तो व्हाट डिड लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर, उसने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा था। शायद 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले और इम्पोर्टेंट एक लिखा हुआ है, तो ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है। एक मिनट रुकना। ओके, तो देखिए जरा, लैंचोज लेटर टू गॉड सो हिज सिचुएशन फेथ इन गॉड एक्सप्लेन स्टाउच फेथ इन गॉड। तो देखिए इसमें बोला गया है कि ही हैड, लैंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ऑल हिज कॉर्न फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय, ही हैड नो वन हु कुड हेल्प हिम इन एडवर्सिटीज, या ओके ही रिमेम्बर्ड गॉड, एडवर्सिटी है शायद, ओके। सो वो इसमें सिंपल सी बात हुई है कि क्यों उसे भगवान पर इतना विश्वास था और दिखा रहा था वो, और क्यों उसने लेटर लिखा, पत्र लिखा, क्योंकि उसका एक वह तो सबसे बड़ी बात तो परिश्रमी किसान था वो, और उसकी जो मक्का की खेती थी वो खत्म होने के बाद, बर्बाद होने के बाद, इस आपदा में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसे कि उसे मदद करता, कोई भी नहीं था, वह ईश्वर को ही याद करा, इसीलिए उसने याद किया किसको, ईश्वर को। तो ये आगे भी आपको पूरा क्वेश्चन दिया है, याद ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ऐसी वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू गाइस, ऐसे ही बने रहिए। और ये फर्स्ट डे था आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, सेकंड जो रहेगा वो भी जल्दी आएगा, ठीक है। सो देखते हैं अगली वीडियो किस पर बन रही है, सेकंड चैप्टर पर ही बनेगी, नेल्सन मंडेला पर, तो जाइए चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, ओके।